व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में मैं सीक्रेट मैनेजर को क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसको रोटेट करके दिखाऊंगा और उस सीक्रेट मैनेजर के थ्रू एक्सेस करके मैं एक डेटाबेस में कुछ डेटा इंसर्ट करके दिखाऊंगा। तो ऑलरेडी मैंने इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देख सकते हैं आप। चलिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैंने एक डेटाबेस बनाया है, RDS डेटाबेस, ठीक है। उसका एंड पॉइंट ये है, मैंने इसको VPC के अंदर क्रिएट किया था, ठीक है, VPC के अंदर क्रिएट किया था, पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं था। उसका एंड पॉइंट ये है और पोर्ट नंबर 3306 है, ठीक है। इस पहले मैं इस डेटाबेस को एक्सेस करके आपको विदाउट सीक्रेट मैनेजर एक मैं आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो मेरा ये EC2 इंस्टेंस है, मैं इसको एक्सेस कर रखा है, मैं रूट यूजर से लॉगिन हूँ और उसमें मैंने अपने एक्सेस की और सीक्रेट की को कॉन्फिगर कर रखा है। देखिए मेरी एक्सेस की और सीक्रेट की कॉन्फिगर है, ठीक है। रीजन मैंने AP South 1 दे रखा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक्सेस की और सीक्रेट की कॉन्फिगर करना है AWS कॉन्फिगर कमांड से, ठीक है। उसके बाद आपको यम इंस्टॉल या यम अपडेट -y कमांड टाइप करना है, यम अपडेट -y, ठीक है। उसके बाद आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन इंस्टॉल करने की कमांड होती है यम इंस्टॉल पाइथन pip, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल है, अदरवाइज मेरा ये पाइथन इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो आपको पाइथन इंस्टॉल करनी है, सबसे पहले आपको AWS एक्सेस की और सीक्रेट की कॉन्फिगर करनी है, फिर आपको पाइथन pip इंस्टॉल करनी है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है, मैं यहाँ पे पहले डेटाबेस कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। MySQL -u यूजरनेम एडमिन है मेरे पास, -p पासवर्ड है मेरा admin123-h, होस्ट नेम मेरा होस्ट नेम ये है। इसको कॉपी किया एंड पॉइंट को मैंने और यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, ठीक है। इसको एंटर करते हैं तो देखिए, अच्छा पासवर्ड मांग रहा मुझसे, admin123 पासवर्ड दिया। अच्छा, मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पासवर्ड वाला सेक्शन हटा देता हूँ, ठीक है। अब एंटर मारता हूँ, पासवर्ड दिया मैंने admin123। देखिए मैं अपने RDS को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सो डेटा बेसिस करता हूँ। देखिए मेरे पास टेस्ट डेटाबेस क्रिएट है, ठीक है। अगर मैं इस डेटाबेस को यूज करता हूँ टेस्ट को, देखिए अब मैंने डेटाबेस चेंज कर लिया। अब मैं किस डेटाबेस में हूँ, टेस्ट डेटाबेस में। ये सारी कमांड मैं पहले समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इसके अंदर देखना चाहता हूँ कोई टेबल बनी है क्या, तो मैं देखूंगा सो टेबल्स, ठीक है। तो देखिए एम्प्लॉय नाम की एक टेबल बनी है। अगर मैं देखना चाहता हूँ इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड है क्या, कोई रिकॉर्ड इंसर्टेड है, तो मैं कमांड लाऊंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय। देखिए कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाऊंगा। तो मैं इसको फिर से दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ दो विंडो में, ताकि आपको आसानी समझा सकूँ। मैं sudo suvs करूँगा, ठीक है। अब मेरे पास पाइथन इंस्टॉल है, मेरे पास एक पाइथन फाइल रेडी है जिसका नाम है rds.py मीन पाइथन फाइल। देखिए इस फाइल में मैंने क्या किया, इंपोर्ट किया MySQL कनेक्टर को इंपोर्ट किया है और MySQL DB यहाँ पे कनेक्टर MySQL DB का यूज़ किया है। इसमें होस्ट नेम मैंने जो एंड पॉइंट नेम है वो मैंने मेंशन कर रखा है, ये मेरा एंड पॉइंट नेम है, ठीक है। यूजर नेम एडमिन है, पासवर्ड admin123 है, डेटाबेस का नेम टेस्ट है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, SQL के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ, एक क्या कर रहा हूँ, एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, एम्प्लॉई नाम की टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। इसमें आईडी और नेम मैं दूंगा, इसमें आईडी होगी 1 और नेम होगा ध्रुव, एक ध्रुव नाम का एम्प्लॉय मैं ऐड करूंगा इस डेटाबेस के अंदर, ठीक है। चलिए मैं इसको रन करता हूँ, कमांड होगी पाइथन और जो आपकी फाइल का नेम है RDS.py।
तो देखिए वन रिकॉर्ड इंसर्टेड आ गया। अब मैं इसमें जाके कमांड फिर से यही टाइप करता हूँ, देखिए पहले मैंने कमांड टाइप की थी जीरो इंसर्ट दिखा रहा था, फिर से मैं यही कमांड टाइप करता हूँ, देखिए एक यूजर बन गया आईडी वन और यूजर नेम ध्रुव ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ सीक्रेट जनरेट करता हूँ, अब सीक्रेट मैनेजर जनरेट करता हूँ, और ये जो सीक्रेट है इंफॉर्मेशन है कौन सी इंफॉर्मेशन, पहले होस्ट नेम यूजर नेम पासवर्ड और डेटाबेस, ये सारी सारी डिटेल में हार्ड कोड ना करके मैं कहाँ से उठाऊंगा, सीक्रेट मैनेजर से उठा के उसको एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सीक्रेट मैनेजर में आते हैं, तो ये देखिए सीक्रेट मैनेजर में मैं आया, तो और यहाँ पे मैं एक लैम्डा भी एक और ओपन कर देता हूँ, इसमें मैं लैम्डा दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई लैम्डा फंक्शन क्रिएट नहीं है। देखिए मुंबई रीजन में मैं हूँ इस समय, और मेरे पास कोई फंक्शन अभी क्रिएट नहीं है, तो सीक्रेट मैनेजर में जाता हूँ तो मेरे पास कोई सीक्रेट भी अभी क्रिएट नहीं है। ठीक है, अब मैं स्टोर अ न्यू सीक्रेट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइसिंग दिया है आपका कि 0.40 पर सीक्रेट पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, एक सीक्रेट अगर आपने स्टोर किया 1 मंथ के लिए तो $0.40 पे करना पड़ेगा, और 0.05 पर 1000 API कॉल पे आपको 0.05 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है, 30 डे ये फ्री है ट्रायल, आप इसका यूज कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, बेनिफिट देख सकते हैं आप, रोटेट सेफ्टी सीक्रेट सेफली सिक्योर एंड ऑडिट सीक्रेट सेंट्रलाइज पे एज यू गो। ठीक है, फाइन के नेक्सेस परमिशन, ये सब आपके एडवांटेज हैं जो मैंने आपको कुछ थोड़ी कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, तो मैंने स्टोर अ न्यू सीक्रेट किया। ठीक है, क्रेडेंशियल फॉर अमेजोन RDS के लिए स्टोर करना है, या डॉक्यूमेंट DB के लिए करना है, या रेडशिफ्ट क्लस्टर के लिए करना है, या अदर कोई डेटाबेस है आप, या अदर अदर टाइप सीक्रेट है जिसमें आप EC2 का जो एक्सेस की होती है, जो आप जो की होती है उसको भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यूजर नेम मुझे देना है, यूजर नेम की क्या नाम है, यूजर नेम डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडेंशियल डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, एडमिन, पासवर्ड क्या है, Admin123 पासवर्ड है। ठीक है, आप चाहो तो इसको शो भी कर सकते हैं, Admin123। इंक्रिप्शन की मैंने ये लगाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए अभी एक ही डेटाबेस बना है तो वो दिखा रहा है। ठीक है, माई माई डेटाबेस वन इंस्टेंट डेटाबेस बना है, माई सिंपल बेस है तो दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर डेटाबेस का माई डेटाबेस बना हुआ है। अगर जितने और कोई डेटाबेस बने होते हैं तो सारे दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तभी सिर्फ एक ही मेरे पास बना है, डेटाबेस क्रिएट है RDS का, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसी डेटाबेस का ये क्रेडेंशियल और यूजर नेम पासवर्ड है, मैंने बताया कि इस डेटाबेस का ये यूजर नेम और पासवर्ड इसी डेटाबेस का है। तो मैंने नेक्स्ट किया, आप सीक्रेट का नेम क्या देना चाहते हैं, मैंने सीक्रेट का नाम दिया टेस्ट एंड सैंपल, मैं सीक्रेट का नाम दिया टेस्ट स्लैश सैंपल, आप कुछ भी दे सकते हैं, डैब के अंदर डेटाबेस वन के अंदर और उस डेटाबेस का नेम ऐसा कुछ दे सकते हैं, या प्रॉड के अंदर डेटाबेस टू के अंदर डेटाबेस का नेम, या कुछ भी आप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, टैग देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, रिसोर्स परमिशन ऑप्शनल है, रेप्लिकेशन सीक्रेट ऑप्शनल है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ मैं। ठीक है, इसका सीक्रेट का नेम मैं चेंज करता हूँ, सीक्रेट वन कर देता हूँ, टेस्ट सैंपल वन। ठीक है, नेक्स्ट किया मैंने, अब देखिए ऑटोमेटिक रोटेशन ऑन करना है कि अभी ऑफ है बाय डिफॉल्ट, आपने कहा यस ऑटोमेटिक इनेबल सीक्रेट इनेबल करना है। ठीक है, इसने जैसे ही इनेबल किया पूछा कब इनेबल करना है, शेड्यूल कब करना है, कब रोटेट करना है, तो आपने कहा कि वीकली करना है, या आपने कहा कि हर डे में करना है, हर 7 डे में आपको कर देना। ठीक है, ठीक है, हर 7 डे में आपको कर देना, आप अगर आप विंडो ड्यूरेशन भी देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ड्यूरेशन दे सकते हैं कि हर 12 बजे करना है या 4 बजे करना है, जैसा भी चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा हर 7वें दिन आपको इस डेटाबेस का पासवर्ड चेंज कर देना है, इस ऑप्शन का मतलब है जैसे ही ये सीक्रेट बनेगा वैसे ही पासवर्ड रोटेट कर देगा, अगर आपने ये टिक कर दिया रोटेट इमिडिएटली वेन द सीक्रेट इज स्टोर, तो जैसे ये सीक्रेट बनेगा है ना वैसे ही पासवर्ड चेंज कर दे, मैंने इसको टिक हटा दिया, मैंने कहा नहीं चेंज नहीं करना है। ठीक है, हर 7 दिन बाद चेंज करना है।
आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा कैसे करेंगे। अब देखिए, जैसे आपने कहा यहाँ पे लैम्डा फंक्शन के लिए पूछा कि आप लैम्डा का क्या फंक्शन का नेम देना चाहते हैं, ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन उसका क्या नेम देना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो मैंने उसका नाम दिया कि सैम्पल सीक्रेट रोटेशन, मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है, सैम्पल सीक्रेट रोटेशन मैंने इसका नाम दे दिया, केस और रोटेशन फंक्शन। तो ये क्या करेगा, लैम्डा फंक्शन क्रिएट करेगा। अभी देखिए कोई फंक्शन मेरे पास नहीं है, तो इस लैम्डा फंक्शन के बिहाफ में ही मेरा सीक्रेट रोटेट होगा। अगर आपके पास लैम्डा फंक्शन अदर अकाउंट में बना हुआ है तो उसका भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप इस ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नो रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये पूरी डिटेल है, इसको आप देख लीजिए और इसको कोड में कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपका जावा या पाइथन का कोड है उसकी डिटेल यहाँ पे दी है, और मैं इसको स्टोर कर देता हूँ। देखिए मैं सीक्रेट क्रिएट हो रहा है, 2 मिनट लगेंगे क्रिएट होने में, और तब तक मैं लैम्डा फंक्शन में जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी देखिए 1 मिनट के बाद यहाँ पर भी मेरा लैम्डा फंक्शन शो होने लगेगा। दो मिनट लगेंगे इसको कंप्लीट होने में, और 2 मिनट में मेरा लैम्डा फंक्शन भी क्रिएट हो जाएगा। तब तक आप इस सीक्रेट के बारे में जा सकते हैं। सीक्रेट की इंक्रिप्शन की ये है, डिस्क्रिप्शन आपने कुछ दिया नहीं, सीक्रेट का नेम आपने दिया टेस्ट स्लैश सैंपल 1, सीक्रेट का ARN ये है, आप इस ARN का यूज कर सकते हैं। टैग आपने कुछ दिया नहीं था। आप देखो सीक्रेट की वैल्यू अगर आपको रिट्रीव करनी है, तो सीक्रेट वैल्यू कैसे रिट्रीव कर सकते हैं आप, यहाँ पे रिट्रीव सीक्रेट वैल्यू करेंगे तो देखिए आपको सीक्रेट वैल्यू आ जाएगी। आपका यूजर नेम क्या, एडमिन था, पासवर्ड क्या था, admin123 था, इंजन क्या था, MySQL उसने ले लिया, देखो डेटाबेस का इंजन MySQL है, होस्ट क्या है, होस्ट का नाम ये है, पोर्ट पोर्ट आपका 3306 पे पोर्ट पे रन कर रहा है, DB इंस्टेंस आइडेंटिफायर डेटाबेस है, ठीक है, DB इंस्टेंस आइडेंटिफायर क्या है, ये देखिए आइडेंटिफायर डेटाबेस है, ठीक है। तो उसके बाद सीक्रेट में आता हूँ मैं, अगर आपको और कोई वैल्यू इसमें ऐड करनी है तो आप प्लेन टेस्ट में जा सकते हैं, सॉरी की वैल्यू में जा सकते हैं, और यहाँ पे एडिट में जाके इसको स्टोर कर सकते हैं। इतनी वैल्यू है, आपको कुछ हटानी है वैल्यू वो हटा सकते हैं, कुछ ऐड करनी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपने लिखा डेटा बेस, डेटा बेस का नेम क्या है मेरे पास, टेस्ट, तो आपने वो वैल्यू भी ऐड कर दी और सेव कर दिया। तो आप ऐसे अपने हिसाब से वैल्यू ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी ये क्रिएट होना, अभी क्रिएट नहीं हुआ, अभी देखिए मैं लैम्डा फंक्शन में जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए मेरा एक लैम्डा फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया सीक्रेट मैनेजर सीक्रेट रोटेशन, सैम्पल सीक्रेट रोटेशन नाम का एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो रहा है। पाइथन 3.91 पे बना हुआ, रन टाइम पे बना हुआ है, 1 मिनट एगो पहले क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो हम और देखते हैं अच्छे से, तो देखिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और यहाँ पे एक पॉलिसी बनी होगी, ये देखिए यहाँ पे अभी पॉलिसी नहीं बनी है, बन रही है पॉलिसी भी, अभी पूरी तरह क्रिएट नहीं हुआ, देखिए क्रिएटिंग द फंक्शन दिखा रहा है, जैसे ही क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे पॉलिसी भी दिखेगी आपको। तो ये देखिए, ये पॉलिसी देखिए आप आपके पास आ गई है, इस पॉलिसी के थ्रू ये लैम्डा फंक्शन ट्रिगर करेगा, ठीक है। इस पॉलिसी को एडिट सॉरी कैंसिल करके रिव्यू करते हैं, इस पॉलिसी में जाते हैं हम लोग, इस पॉलिसी को हम लोग रिव्यू पॉलिसी करते हैं, रिव्यू पॉलिसी देखिए इसमें लिखा है इफेक्ट अलाउ है प्रिंसिपल सीक्रेट मैनेजर के थ्रू सर्विस, आपका जो लैम्डा फंक्शन होगा ये सीक्रेट मैनेजर की सर्विस के थ्रू ट्रिगर होगा, इन्वोक होगा लैम्डा फंक्शन, किसके थ्रू, सीक्रेट मैनेजर के थ्रू, और किस रिसोर्स के थ्रू, किस सीक्रेट मैनेजर के थ्रू ये इन्वोक होगा उसका ARN लिखा है, ये देखिए उस सीक्रेट मैनेजर के फंक्शन का ARN लिखा है, ठीक है। तो ये पॉलिसी थी, इस पॉलिसी के थ्रू ये लैम्डा फंक्शन ट्रिगर करेगा, अकाउंट नंबर खुद का अकाउंट नंबर है,
इसी अकाउंट का नंबर लिखा है। ठीक है, देखिए ये मेरा लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो गया और सीक्रेट मेरा, सीक्रेट भी मेरा अपडेट हो गया। ठीक है, अब देखिए सीक्रेट भी मेरा अपडेट हो गया, और सीक्रेट में आप कोई वैल्यू को ऐड और रिमूव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो गया मेरा, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए रोटेशन कॉन्फ़िगरेशन मेरा इनेबल है, रोटेशन शेड्यूल बाय डिफॉल्ट 7 डेज है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 7 डेज में ये रोटेट कर देगा, लेकिन आप चाहते हैं मैनुअली रोटेट करना तो भी ये रोटेट कर सकते हैं। तो देखिए अभी इसकी सीक्रेट की वैल्यू देखिए क्या है, अभी इसका पासवर्ड क्या है, admin123 है। ठीक है, मैं जैसे इसको रोटेट करूँगा तो इसकी ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इसको रोटेट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रोटेट सीक्रेट इमिडिएटली है, तो इसको मैं मैन्युअली भी रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे यहाँ पे क्लिक किया और रोटेट किया। ठीक है, रोटेट किया, देखिए यहाँ पे ये गया। अब मैं लैम्डा के लॉग देखता हूँ क्या लैम्डा में रोटेट हो गया कि नहीं हुआ, तो मॉनिटर में जाता हूँ और यहाँ पे व्यू लॉग्स इन क्लाउड वॉच में क्लिक करता हूँ। तो देखिए लैम्डा लॉग जनरेट हुआ, अभी इसको मैं रीड करता हूँ, तो ये देखो कॉन्फिडेंस एनवायरनमेंट वेरिएबल रिक्वेस्ट स्टार्ट रिक्वेस्ट कॉन्फिडेंस एनवायरनमेंट वेरिएबल एंड रिपोर्ट, तो यहाँ पे इसके लॉग जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, सी कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट वेरिएबल, और इसके मैं सीक्रेट को देखता हूँ रिफ्रेश करके। रिट्रीव सीक्रेट वैल्यू, देखिए पासवर्ड मेरा रिसेट नहीं हुआ है। ठीक है, रिसेट नहीं हुआ है, इसका मीन्स कोई इशू है अभी। ठीक है, उस इशू को रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए देखो मुझे क्या करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे रिक्वेस्टेड सेकेंड, ये टाइम आउट ज़्यादा है आपका, है ना, ठीक है, अभी मेरा सीक्रेट रोटेट नहीं हो रहा है मेरा। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, जो इशू आ रहा है रोटेट नहीं हो रहा सीक्रेट, उसके लिए क्या करना है आपको, मैंने यहाँ पर डुप्लीकेट में गए और यहाँ पे VPC आपको एक्सेस करना है, तो आपको एक एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ VPC में आप जाइए, VPC एक्सेस करिए, VPC ठीक है, VPC में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एंड पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे एंड पॉइंट में आपको जाना है। मेरे पास डिफॉल्ट VPC क्रिएट है, कोई एक्स्ट्रा VPC क्रिएट नहीं है। देखिए यहाँ पे एंड पॉइंट दिख रहा है, इस एंड पॉइंट में आपको जाना है, अब क्रिएट एंड पॉइंट आपको करना है। क्रिएट एंड पॉइंट में आपने नाम दे दिया, मैंने दे दिया सीक्रेट रोटेशन। ठीक, मैंने इसका नाम दे दिया सीक्रेट रोटेशन। ठीक है, अब किस सर्विस के लिए लेनी है मुझे, AWS सर्विस यहाँ पे लीजिए, और यहाँ पे मैंने लिया सर्विस सेलेक्ट के सीक्रेट, देखिए सर्विस आ जाएगी, जैसे सीक्रेट लिखा है सर्विस, सर्विस का नाम आएगा com.amazon.aws.ap.south1.secret-manager, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है, इस सर्विस के लिए मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, मैं ये ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए सर्विस को, अब यहाँ पे मुझे VPC सेलेक्ट करना है, ये VPC मेरे डिफॉल्ट VPC में है ये। ठीक है, सबनेट सेलेक्ट करने, तो मैंने तीनों सबनेट को ले लिया यहाँ पे, और उन सबनेट आईडी को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, सबनेट आईडी 1 के लिए ये आईडी है, ठीक है 3 के लिए ये है, सबनेट आईडी 2 के लिए ये आईडी है, तीनों आईडी सेलेक्ट कर ली।
आईपी टाइप मैंने आईपी प्रेजेंट फोर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप जो मेरा डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप बना है वो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया। इसमें ऑल रूल अलाउ है, ये याद रखिएगा, सिक्योरिटी ग्रुप में इसमें ऑल रूल ऑल पब्लिक आईपी के लिए अलाउ है, ठीक है। और पॉलिसी मैंने फुल एक्सेस मैंने पॉलिसी दे दी है और मैंने इसको क्रिएट कर दिया, क्रिएट एंड पॉइंट। अब ये एंड पॉइंट मेरा क्रिएट हो रहा है सक्सेसफुली, क्रिएटेड पीपीसी एंड पॉइंट, ठीक है। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको एंड पॉइंट जरूर क्रिएट करना है अगर आपको सीक्रेट रोटेट करवाना है, ठीक है। तो देखिए एंड पॉइंट इज इन पेंडिंग स्टेट, अभी अभी ये पेंडिंग स्टेट में है। जैसे ये अब मेरा सक्सेसफुली रन हो जाएगा फिर मैं लॉग चेक करूँगा और अपने सीक्रेट को चेक करूँगा, ठीक है। स्टेटस अभी पेंडिंग दिखा रहा है ये देखिए, तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए इसका स्टेटस एंड पॉइंट का स्टेटस अवेलेबल आ गया। अब मैं अपने क्लाउड वॉच लॉग रूम में जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखिएगा। अब मैं यहाँ पे वापस अपने सीके मेजर में जाता हूँ और देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली आपके पास मैसेज आ गया। जैसे आपने वो क्या किया एंड पॉइंट क्रिएट किया, तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया AWS करंट स्टेज, ठीक है, सक्सेसफुली आ गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ सीक्रेट मैनेजर में, सॉरी सीक्रेट मैनेजर में जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर से। और मैं रिट्रीव करता हूँ सीक्रेट वैल्यू को, देखिए पासवर्ड मेरा चेंज हो गया, एडमिन 123 की जगह क्या हो गया MD5D ये समथिंग एल्स हो गया, ठीक है। मैं इसको फिर से रोटेट करना चाहता हूँ, आप तुरंत हो जाएगा, देखिए रोटेट सीक्रेट इमीडिएटली। अभी देखिए पासवर्ड क्या है M5D। मैं इसको फिर से रोटेट करता हूँ, रोटेट सीक्रेट इमीडिएटली करता हूँ, रोटेट कर दिया मैंने, देखिए। अब इसको मुझे रिफ्रेश करना होगा और बाय डिफॉल्ट ये 7 दिन का बाद तो अपने आप करेगा ही, आप मैन्युअली भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये देखिए इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और फिर रिट्रीव करता हूँ वैल्यू में, देखिए पासवर्ड चेंज हो गया GHASKH आ गया, ठीक है। अब चलिए मैं देखता हूँ इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं क्या करता हूँ, जो सीके मेजर के थ्रू मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहता, अपनी डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो चलिए देखता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास डेटाबेस था, इसमें मैं देखूँ तो कितने रिकॉर्ड क्रिएट है, तो अभी सिर्फ एक रिकॉर्ड क्रिएट है जिसका नाम ध्रुव है, इसकी ID 1 है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ मेरे पास इसको फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। sudo su किया मैंने तो मैं रूट यूजर लॉगिन हो गया। यहाँ पे मैंने एक फाइल बना रखी है secretmanager.py, ये भी पाइथन की फाइल है, इस फाइल को मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है MySQL.connector को, इंपोर्ट किया Boto3 को और इंपोर्ट किया JSON को, तीन चीज़ को मैंने इंपोर्ट किया। Boto3 क्यों किया, क्योंकि मुझे AWS सीक्रेट सर्विस का यूज़ करना है, इसलिए आपको पता है कि पाइथन में आपको Boto3 मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, और JSON मैंने किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Boto3 क्लाइंट मैंने सीक्रेट मैनेजर को क्लाइंट एज ए रूप में लिया, सीक्रेट मैनेजर एज ए क्लाइंट लिया। अब देखिए सीक्रेट आईडी मेरी क्या है, सीक्रेट आईडी क्या दी थी आपने, सीक्रेट आईडी थी मेरी टेस्ट के अंदर Sample 1, तो यहाँ पे मैंने एक मेंशन किया टेस्ट के अंदर Sample 1, सीक्रेट आईडी क्या मेरी टेस्ट के अंदर Sample 1, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे सीक्रेट स्ट्रिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइस, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ होस्ट, मैंने होस्ट का कोई होस्ट नेम नहीं दिया, देखो कोई एंड पॉइंट नहीं दिया है। होस्ट की वैल्यू कहाँ से उठाएगा, इस सीक्रेट मैनेजर के इस होस्ट से उठाएगा, इस होस्ट से, ठीक है। मैंने कोई यहाँ पे URL नहीं दिया, यूजर नेम में कोई मैंने यूजर एडमिन नहीं दिया है, यूजर नेम की वैल्यू कहाँ से उठाएगा,
सीक्रेट मैनेजर की इस यूजर नेम से उठाएगा, ठीक है। पासवर्ड की वैल्यू मैंने कुछ नहीं दी, पासवर्ड की वैल्यू क्या वहां से उठाएगा, सीक्रेट मैनेजर के इस पासवर्ड से उठाएगा। जो भी वैल्यू आप जो भी पासवर्ड चेंज करोगे उसकी वैल्यू यहीं पे स्टोर होगी, उस वैल्यू को यहीं से उठा लेगा वो, ठीक है। और उसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस की वैल्यू कहाँ से उठाएगा वो, ये डेटाबेस मैंने टाइप किया ना टेस्ट नाम का डेटाबेस, इसके अंदर से डेटाबेस की वैल्यू उठाएगा। और उसके बाद क्या करेगा, इंसर्ट करेगा एक रिकॉर्ड, इंसर्ट करेगा एक रिकॉर्ड, इसमें नाम क्या करेगा, एक हरी नाम का यूजर ऐड करेगा या एम्प्लॉय ऐड करेगा, एम्प्लॉय टेबल में एक हरी नाम का एम्प्लॉय ऐड करेगा, इसकी आईडी 2 होगी और नेम हरी होगा। चलिए देखते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, तो कंट्रोल ओ या कंट्रोल एक्स, कमांड होगी पाइथन, पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैं कमांड की पाइथन और स्पेस सीक्रेट मैनेजर डॉट पी वाई, देखिए बोथ द थी वी नॉट लॉन्गर सपोर्ट पाइथन 2.7 स्टार्टिंग जुलाई टू कंटिन्यू रिसीविंग मैसेज बॉक्स, ठीक है। चलिए वो वार्निंग थी, और यहाँ नीचे देखिए एक एक रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया, देखिए वन रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया। अब मैं इसको चेक करा देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं सेम क्वेरी में फिर से टाइप करता हूँ, तो देखिए ध्रुव और हरी दो रिकॉर्ड आ गए, पहले कितना रिकॉर्ड आ रहा था, सिर्फ ध्रुव आ रहा था, अभी क्या आ गया, ध्रुव एंड हरी दोनों रिकॉर्ड आ गए। देखा, इस बार मैंने एप्लीकेशन में जो मेरी एप्लीकेशन की फाइल थी उसमें मैंने कहीं भी RDS का होस्ट नेम नहीं डाला, कहीं भी RDS में यूजर नेम नहीं डाला, ना पासवर्ड डाला, ना डेटाबेस डाला, सारी सारी वैल्यू कहाँ से उठा रहा है, ये इस सीक्रेट से उठा रहा है, कहाँ से उठा रहा है, सीक्रेट डॉट मैनेजर से उठा रहा है, ठीक है, इस सीक्रेट जॉन मैनेजर से उठा रहा है, और उस बिहाफ में भी ये वर्क कर रहा है। अगर आप पासवर्ड चेंज भी कर दो, चलिए मैं पासवर्ड फिर से चेंज कर देता हूँ, मैंने क्या किया पासवर्ड यहाँ पे इसको रोटेट कर दिया, रोटेट सीक्रेट इमीडिएटली मैं क्लिक किया, रोटेट किया, अब पासवर्ड फिर से चेंज हो जाएगा। देखने के लिए इसको फिर से रिफ्रेश करिए आप, ठीक है, रिट्रीव करिए, तो देखिए पासवर्ड फिर से चेंज हो गया, लेकिन हमारी एप्लीकेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। मैं एक फिर से यूजर जो है ना, यूजर की वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैं यूजर नंबर 3 क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसका जो नेम मैं दे दे रहा हूँ, इसका नेम मैं दे रहा टेक्नोलॉजी क्रंच, ठीक है। ठीक, मैं टेक्नोलॉजी क्रंच नाम का इस बार यूजर बनाया, कंट्रोल कंट्रोल सब कुछ वही है। मैंने फिर से कमांड टाइप की पाइथन सीक्रेट मैनेजर पी वाई, देखिए वन रिकॉर्ड फिर से ऐड हुआ, मैंने कोई पासवर्ड चेंज नहीं किया, मतलब कहीं भी कुछ अपडेट चेंज नहीं किया एप्लीकेशन में, और यहाँ पे देखिए मेरा यूजर क्रिएट हो गया। तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा सीक्रेट मैनेजर का कॉन्सेप्ट और इसका पूरा लैब, इसकी पूरी थ्योरी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ इस पर, तो प्लीज़ मेरी जो यूट्यूब की जो सीरीज़ है उसको आप प्लीज़ देखते रहिए। अगर कोई डाउट है या कोई आपका सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।